हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जो कभी ऑपरेटर नहीं बताते हैं, किस किस चीज़ का सावधानी बरतनी होती है हेल्परों को। हर कोई ऑपरेटर उनको बताता नहीं है, बाकी वो साफ सफाई करना, ग्रीस करना ये सब कह देते हैं, लेकिन किससे दूर रहना है, किससे क्या करना है वो नहीं बताते हैं। क्या सावधानी बरतनी है, किस चीज़ का ध्यान रखना है वो सब नहीं कहते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करते हैं, देखिए सबसे पहले इसका मैं वीडियो डाल चुका हूँ, अगर नहीं देखा तो देख लेना। ठीक है, अगर नया हेल्पर हो आपको पता नहीं है तो चलिए अपना मेन टॉपिक की तौर। देखिए, नया हेल्पर जब भी आता है तो क्या करता है, पाइप लगाने के लिए या तो इसको खींच के यहाँ से चढ़ता है या तो ये पाइप खींच के यहाँ से चढ़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, अपने हेल्परों को समझाइए यहाँ से नहीं पकड़ना है, ये खींचना नहीं है, ना ही इसको मतलब दबाव देना है। अगर ज़्यादा दबाव देंगे तो ये टूट जाता है, इतना मजबूत नहीं है। ठीक है, लोखंड नहीं है इसलिए ज़्यादा मजबूत नहीं है, टूट जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। दूसरी बात बताते हैं क्या क्या सावधानी बरतनी होती है। यहाँ पर सारे सावधानी लिखे हुए हैं, यहाँ देखिए एक सिंबल बना हुआ है जो कि एक इंसान जैसा सिंबल है। इसका मतलब है पीछे चालू, अगर मशीन चालू है तो पीछे खड़ा नहीं रहना है इस साइड टायर में। ठीक है, खड़ा नहीं रहना है कभी भी। क्या होता है कि आप मशीन खड़ा करके फुल रेस्ट दे के पानी वाणी उठा रहे होते हैं या मिक्स कर रहे होते हैं, उसी टाइम पे अगर आपका हाथ गलती से लग गया तो बस ही सामने वाले का सोच ही सकते हैं क्या हाल होगा। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए आप, कभी भी मशीन चालू हो तो इस तरह साइड में इस तरह खड़ा हो जाइए, ना कि इधर पीछे। दूसरी, ये समय समय पर ग्रीस करने के लिए कह रहे हैं, अगर आपका कोई चालू मशीन में आपको कहीं हाथ नहीं डालना है, ये देखिए सिंबल बना हुआ है, कुछ भी अगर बिगड़ता है उससे पहले मशीन को बंद करके आपको काम करना है, ना कि चालू मशीन में। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा तो देख सकते हैं। ठीक है, जब भी काम करें मशीन को बंद करते हुए काम करें, तो ऐसे चालू मशीन में हाथ वाथ ना डालें। ठीक है, नए हेल्पर को समझाइए। चलिए दूसरी उस तरफ बताते हैं, उस तरफ भी क्या सिंबल है। जब वॉकर नीचे करते हैं तो इस साइड पीछे देखिए कोई खड़ा तो नहीं है, कोई काम तो नहीं कर रहा है, कोई बैठा तो नहीं है, वो देखिए। ठीक है, वॉकर लग सकता है या तो रिवर्स जाते हुए टायर भी लग सकते हैं, कुछ हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे हेलमेट लगा के काम करने के लिए कह रहे हैं, मतलब सिंबल है जो कि इसमें देख सकते हैं आप। कभी भी मतलब कोने पर खड़ा नहीं होना है आपको, अगर काम कर रहे हैं तो हेलमेट लगा के करें। दूसरी बात यहाँ देखिए, यहाँ देख सकते हैं भारी तमाम चीज़ों पे हाथ ना डालने की सिंबल है। दूसरी यहाँ पे देख सकते हैं हाथ क्या करते हैं, चालू मशीन में यहाँ पे हाथ डाल देते हैं, तो यह इसका ध्यान रखिए, इस पर हाथ नहीं डालना है। या तो क्या करते हैं, इसको गोले पे भी हाथ डाल देते हैं इस तरह चालू मशीन में, क्या चढ़ जाते हैं ऊपर हाथ, ऐसे हाथ रख के गलती से भी इधर हाथ ना रखें। ठीक है, यहाँ पे हाथ पकड़ने का दिया, यहाँ पे इससे पकड़ सकते हैं। दूसरी बात, यह गोला जब यह उठ जाता है ऊपर, उस टाइम आपको नीचे झुकना नहीं, मतलब नीचे नहीं जाना है गोले के नीचे, ना कि इस तरह हंसता हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है। ठीक है, साफ साफ सिंबल में दिखाया गया है, इससे ही समझ सकते हैं आपको क्या सावधानी बरतनी है आपको। ठीक है, तो बस इतना ही है। नया हेल्पर जो भी आए हैं उनको दिखाइए वीडियो, अगर देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, सावधानी वो सावधान हो जाइए। और दूसरी बात, ध्यान रखिए, मशीन सीखने आए हैं बहुत मेहनत करके,
उम्मीद लेकर आए हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, ठीक है। इस चीज़ का सब ध्यान रखिए, क्या किस चीज़ का हमको मतलब ध्यान रखना है और कैसे आगे बढ़ना है, सभी बातों का ध्यान रखते हुए मशीन पे काम करना है आपको, ठीक है। ना कि आंखें बंद करते हुए चलाना है, ये करना फालतूगिरी नहीं करना है, ध्यान से काम करना है। जो भी मैंने बताया उस चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे दबाव नहीं डालना है इस पर, ना तो ये कभी भी टूट सकता है, ठीक है। बस दोस्तों इतना ही वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, उनको भी पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, ठीक है। और ये जो है यार प्रेशर, चलो ये पीछे के टायर में कितना हवा आना चाहिए इसका लिखा हुआ है, इस पर वीडियो में बना चुका हूँ, नहीं देखा तो देख लेना, मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।